सो दिस इज द पार्ट टू ऑफ दिस सीरीज, और पार्ट वन अगर आपने नहीं देखी है तो मैं उसका लिंक जो है वो कमेंट सेक्शन में डाल दूंगी, आप प्लीज देखिएगा। उसमें आपको पता लगेगा कि मैं इतने टाइम से कहाँ पे थी और मैंने काफी सारे क्वेश्चंस के आंसर्स उस पार्ट वीडियो में किए हैं। हो सकता है कि आपके भी कुछ क्वेरीज हो जो उसमें कवर अप हो गई हो। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि मैंने उस वीडियो में हाफ छोड़ा था, अब इस वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। सो द क्वेश्चन इज, मैम बीएड और एमए हम साथ में कर सकते हैं क्या? ये बहुत ही ज्यादा पूछने जाने वाला सवाल है। सबसे पहली बात तो बीएड जो है वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई आर्ट्स स्ट्रीम वाला बच्चा है तो पहले वो ट्वेल्थ करेगा, देन वो फॉर एग्जाम्पल बीए करेगा एंड देन वो बीएड करेगा। अब आता है, ये तो क्लियर है, अब आता है कि हम बीएड और एमए साथ में कर सकते हैं क्या? देखो, करने वाले साथ में करते हैं, वैसे प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। डीएलएड भी प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग ग्रेजुएशन और डीएलएड अलाउड नहीं है, बट बहुत सारे ऐसे हैं जो कि ग्रेजुएशन और डीएलएड साथ में करते हैं, जिसमें से मैं भी हूँ। मैंने भी अपना ग्रेजुएशन और डीएलएड साथ में किया, बिकॉज कौन 3 साल अपना ऐसे वेस्ट सा होता है बेसिकली। आप 2 साल वहाँ करते हो, 3 साल वहाँ करते हो, तो 5 साल लगते हैं और वही चीज़ आप 3 साल में कर लेते हो, ठीक है। तो प्रोस्पेक्टस के अकॉर्डिंग तो अलाउड नहीं है, बट मुझे एक बात बताओ, अगर मैं कल को जॉब लेने जाऊँगी और मुझे जॉब क्राइटेरिया में लिखा हुआ है कि आपको ग्रेजुएशन और ये साथ में नहीं चाहिए, तो मैं क्यों अपना ग्रेजुएशन दिखाऊंगी, है ना? थोड़ा स्मार्ट वर्क तो हमें भी करना चाहिए ना। तो अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि बीएड और एमए हम साथ में कर सकते हैं, तो हाँ बिल्कुल आप कर सकते हैं। बस ध्यान रखना कि एक चीज़ आप ओपन करो और एक चीज़ रेगुलर करो। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अपना किया था, मैंने अपना जो टीचिंग वाला है वो रेगुलर किया था, और मैंने अपना जो अपना मास्टर्स है या फिर जो भी ग्रेजुएशन है वो मैंने अपना ओपन से किया था, ठीक है, एनसीएलएफ से किया था मैंने, नॉन कॉलेजिएट वुमेन एजुकेशन बोर्ड दिल्ली यूनिवर्सिटी। ओके, एक लेसन प्लान से रिगार्डिंग मैंने लेसन प्लान डाला था, विच इज इंग्लिश सब्जेक्ट का लेसन प्लान है, जो कि पोम है। उसके लिए टीचिंग एड पूछा था कि इससे रिगार्डिंग कोई टीचिंग एड डालो। तो देखो, पोम का नाम है द शेड, तो इसमें आप टीचिंग एड्स में बच्चों का ही यूज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हमेशा टीचिंग एड्स में आप चार्ट पेपर बनाओ, फ्लैश कार्ड बनाओ, आप रियल लाइफ एग्जाम्पल्स भी यूज कर सकते हो कि आप बच्चों को आप खड़ा करो और जो टेबल होता है टेबल के नीचे आप बच्चों को कर सकते हो, तो एक तरीके से टेबल उनका शेड बन जाएगा। या फिर आप कार्डबोर्ड से एक ऐसा करके शेड ऐसे बनवा सकते हो, या फिर आप बच्चों से ऐसे हाथ करवा सकते हो, आप डांस इस तरीके से डांस करवा सकते हो। इतने सारे इसके टीचिंग एड्स रहेंगे, आप चार्ट पेपर बना सकते हो, फ्लैश कार्ड्स बनवा सकते हो, ठीक है। नहीं तो बच्चों को ही शेड बनाने के लिए बोल सकते हो, हैंड्स बनाने के लिए बोल सकते हो, बच्चों को खुद आप टेबल के नीचे, जैसे हम बच्चों को सिखाते हैं ना वो इवैक्यूएशन ड्रिल सिखाते हैं, उस तरीके से आप टेबल के नीचे उनको दिखा सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। अब आता है, मैम मेरा वाई कॉम एस सी एम कॉम है, वाई कॉम से बी एड, इसको ओके, इज इट कंपल्सरी टू डू बी एड बिफोर डूइंग डीएलएड, बीएलएड बिफोर डूइंग बीएड? देखो, बहुत सारे हैं जो अभी भी कंफ्यूज है बिटवीन डीएलएड, बीएड, बीएलएड, डीएलएड, बीएड, बीएलएड, ये तीनों ही टीचिंग कोर्स है, जिसमें से जो हमारा डीएलएड है वो ट्वेल्थ के बाद होता है, बीएलएड भी ट्वेल्थ के बाद होता है। बीएलएड 4 साल का होता है, जिसके अंदर आपका ग्रेजुएशन इन्वॉल्व होता है, आपको ग्रेजुएशन अलग से करने की नीड नहीं है। एंड नेक्स्ट इज आपका बीएड, बीएड जो है वो आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है। सो अगर आपने डीएलएड कर लिया है तो आप बीएड कर सकते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या बीएलएड के बाद डीएलएड करना होता है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने बीएलएड कर लिया है तो डीएलएड कर बीएलएड कर लिया है तो बीएड करने की नीड नहीं है, बिकॉज जो बीएड है वो बीएलएड में इंक्लूडेड है। आई डोंट नो, अभी मैं आपको कंफ्यूजिंग साउंड कर रही हूँ या क्या? अगर ऐसा कुछ लगता है आपको, कन्फ्यूजन है, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं प्रॉपर वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आपको रिटर्न में दिखाऊंगी, रिटर्न में बताऊंगी, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरे चैनल पे कोई आए और उसको ऐसे कन्फ्यूजन रहे बिटवीन दीज कोर्सेज। बिकॉज जब से मैंने यूट्यूब करियर स्टार्ट किया है, तब से लेसन प्लान और ये डीएलएड बीएड तो मैं बहुत ही ज़्यादा कवर अप करती हूँ और करती ही रहूँगी जब तक क्लियरिटी नहीं होगी। मतलब एक साथ क्यों करना है? बीएलएड कर लिया है तो बीएड करने की नीड नहीं है, अगर बी एड कर लिया है तो बी एल एड करने की नीड नहीं है। कोई एक चीज करो, बी एल एड और बी एड, ओनली वन, ठीक है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है मैं डिटेल में वीडियो लेकर आऊंगी, अगर आप चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बी एड और बी एल एड लिख कर दीजिए। देखो, आप जिस भी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं, अगर पेडागॉजी पे चाहते हैं, टीचिंग एड पे चाहते हैं, बी एड डी एड चाहते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, मैं जरूर लेकर आऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट इज बीएड और डीएलएड दोनों साथ में कर सकते। देखो, अगेन वही क्वेश्चन आया है, इस क्वेश्चन पे या तो मैं सेपरेट वीडियो बनाती हूँ, सो दैट की कन्फ्यूजन रहे ही ना। अगर मुझे 6th, 7th, 8th के बच्चों को पढ़ाना है तो मुझे डीएलएड करना होगा या बीएड करना होगा? अगर आपको 6th, 7th, 8th के बच्चों को पढ़ाना है, विच मीन्स यू वॉन्ट टू बिकम अ सेकेंडरी टीचर, सो वॉट यू हैव टू डू इज यू हैव टू डू बीएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। डीएलएड जो है वो 12th के बाद होता है और डीएलएड जो है वो सिर्फ प्राइमरी तक होता है। आप 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th क्लास के बच्चों को पढ़ा पाओगे डीएलएड करने के बाद, और बीएड
बैचलर इन एजुकेशन जो कि आपका ग्रेजुएशन के बाद होता है, अगर आप वो करेंगे तो आप सेकेंडरी क्लासेस को पढ़ा पाएंगे, विच इज 6th, 7th, 8th, 9th, ठीक है। आता है डीएलएड के लिए बिना एंट्रेंस एग्जाम दे कॉलेज में। देखो डीएलएड के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको एंट्रेंस देना ही पड़ेगा, डीएलएड के लिए अगर आपको एडमिशन लेना है सो यू हैव टू गो थ्रू द एंट्रेंस एग्जाम। पूरा एडमिशन प्रोसेस होता है जो कि आपको फॉलो करना पड़ेगा। डीएलएड के प्रॉपर एंट्रेंस होते हैं, इनफैक्ट बीएड के भी एंट्रेंस होते हैं, बीएलएड के भी एंट्रेंस होते हैं, सो अब एंट्रेंस तो देने ही पड़ेंगे। इनफैक्ट जब मैंने डीएलएड किया था तब एंट्रेंस नहीं था, मेरा जो एडमिशन है वो प्योरली मेरे डीएलएड में मेरे टाइम पे प्योरली मेरा मेरिट बेस्ड हुआ था, बट अब एंट्रेंस है और एंट्रेंस आपको देना ही पड़ेगा। मैंने एंट्रेंस का सिलेबस वगैरह सब डिस्कस किया हुआ है, अभी तो फिलहाल नीड नहीं है इन सब चीज़ की, पर जब जैसे ही टाइम आएगा, जैसे ही एग्जाम का मुझे लगता है कि अब प्रिपरेशन की नीड है, तो मैं वीडियो दोबारा प्रिपेयर कर दूंगी। मैं महाराष्ट्र का हूँ, क्या मैं तेलंगाना में डीएलएड कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। अगर कोई मुंबई का बच्चा है वो दिल्ली में डीएलएड कर सकता है, अगर कोई दिल्ली का बच्चा है वो राजस्थान में डीएलएड कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि आप स्टेट के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते, आप जहाँ के भी हो आप डीएलएड कर सकते हैं। आप कितने बच्चे हैं जो दिल्ली में आते हैं पढ़ने के लिए, तो आप किसी भी स्टेट के आप कर सकते हैं, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एनआईयूएस डीएलएड के फॉर्म जब आएंगे मैं बता दूंगी, अपडेटेड रहिएगा, ठीक है। तो यही हमारी वीडियो के क्वेश्चन थे। इसके अलावा अभी 1 आवर पहले मेरे लेसन प्लान पे मुझे एक हर्ट आया है। ओके, सो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं लेसन प्लान किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे अपलोड करूँ तो आप मुझे बता सकते हैं। वैसे प्लीज़ आप एक बार मेरी ना चैनल को स्क्रॉल कीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है हिंदी की, साइंस की, इंग्लिश की, ईवीएस की, इंटीग्रेटेड की, आर्ट एजुकेशन की, वर्क एजुकेशन की, एचपी की, इन सब की प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना रखी है, तो काफ़ी सारे लेसन प्लान आपको वहाँ मिल जाएंगे। बट स्टिल कोई लेसन प्लान आप चाहते हैं तो वो भी आप मुझे बताइएगा। इसके अलावा अगर आप टीचिंग प्रोफेशन में हैं और आपके स्कूल्स में टीचर डायरी बनती है तो आप उससे रिगार्डिंग कुछ चाहते हैं, क्योंकि मैं टीचर डायरी बनाती हूँ, मेरे स्कूल में टीचर डायरी बनती है, तो आप लोग मुझे बता सकते हैं, मैं अपनी टीचर डायरी आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ। उसके अलावा अगर आप पेडागॉजी के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए, मैं बताना चाहती हूँ पेडागॉजीज़ के बारे में बहुत ज़्यादा। और इसके अलावा कुछ भी ऐसा सीटेट रिगार्डिंग कुछ इन्फॉर्मेशन है, सीटेट कैसे करना है, क्या करना है, डीएलएड के बारे में, केवी के बारे में, अगर आप राइट टू एजुकेशन, एनसीएफ, ऐसी कुछ टॉपिक पढ़ाई रिगार्डिंग भी कुछ है, मतलब लिटरली टॉपिक टीचिंग से रिलेटेड कोई भी टॉपिक, चाहे वैकेंसी हो, चाहे लेसन प्लान हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे कुछ भी हो, आप जो भी पूछना चाहते हैं आप फ्रीली पूछ सकते हैं। मैं आपको प्रॉपरली गाइड करने का पूरा ट्राई करूंगी, और टू बी वेरी ऑनेस्ट जो चीज़ मुझे नहीं पता होगी उसके बारे में प्रॉपर रिसर्च करूंगी, प्रॉपर स्टडी करूंगी, और उसके बाद ही मैं आपको बताऊंगी। मैं कुछ भी गलत आपको नहीं बताना चाहूंगी, बिकॉज गलत बता के क्या फ़ायदा है ना। तो प्लीज़ अगर आप कुछ भी ऐसा पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। इसके अलावा ये दो वीडियो में हमारी ये वीडियो कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट वीडियो है मैं बेसिकली लेकर आऊँगी डीएलएड, बीएड और बीएलएड के बीच में, बिकॉज बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आए हैं मुझे, क्योंकि मैंने सारे क्वेश्चन को स्किप भी करे हैं, जो मेन मेन क्वेश्चन हैं मैंने वही बताए हैं। तो जो बीएलएड डीएलएड जो है इस रिगार्डिंग क्वेश्चन से मैं लेकर आऊँगी, और कोई क्वेश्चन अगर मैं आपका रिप्लाई नहीं करती हूँ इसका मतलब आप समझ जाना कि मैं उसकी वीडियो लेकर आऊँगी, बिकॉज जैसे अगर डीएलएड बीएलएड वाला क्वेश्चन है इसके लिए तो वीडियो ही चाहिए, है ना, इसके लिए तो प्रॉपर वीडियो ही चाहिए। वैसे मैं आपको समझाऊँगी तो आप समझ नहीं पाएंगे, फिलहाल मैंने अभी इस वीडियो में समझाने का ट्राई किया है, बट फिर भी चलिए ठीक है, इस वीडियो को एंड करते हैं बिकॉज बहुत लंबी वीडियो बन गई है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरे लिए बस मेन मोटिव ये है कि अगर मेरे चैनल से 10 पीपल्स की भी हेल्प हो जाती है ना, और उन 10 में से 5 भी अगर बोलते हैं कि इस चैनल से हमारी हेल्प हुई थी, सो मेरे लिए वो इनफ है, मेरे लिए वो बहुत है, ठीक है। सो बस ठीक है, अब मैं रेगुलर रहूँगी, और कुछ भी डाउट होगा आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।